हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटेटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल मैंने बताया था कि सुरक्षा प्रहरी का बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा वैकेंसी आई है। विज्ञापन संख्या 1/2023 है, ये वेबसाइट पर दिया भी है। 25/4 से आपको फॉर्म भराएंगे, 11 बजे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और 16/5 तक है जो कि आपको ये फॉर्म है जो कि भराएगा। और ये भारतीय नागरिक है जो कि इसमें भर सकते हैं। और क्या क्या है, कितनी सीटें हैं, क्या है वेतन स्तर क्या रहेगा, तो ये जो रहेगा आपको 3 मतलब 2000 रुपये ग्रेड का, ये ग्रेड पे का 21,700 से शुरू होगा और भी अन्य भत्ते मिलेंगे। और ये पूरी तरह गवर्नमेंट जॉब है। कितनी सीटें हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो अनारक्षित के 29 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 7 है, अनुसूचित जाति के 10 है, SC ST के 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 12, पिछड़ा वर्ग के 9, पिछड़ा वर्ग की महिला के 1, और उसमें 69/25 महिलाओं के लिए आरक्षित हो दिया हुआ है और नाती नातनी के लिए 1 है। शैक्षणिक योग्यता क्या है, इंटरमीडिएट अगर पास है तो आपको इसको फॉर्म को भर सकते हो। मतलब इसमें कोई और एक्स्ट्रा योग्यता नहीं, आप इंटरमीडिएट पास हैं आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये अच्छी पहल है और ये वैकेंसी है जो कि आपके काम के होगी, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि अनुभव चाहिए या एक्स्ट्रा कोई टेक्निकल डिग्री चाहिए। आरक्षण का लाभ करने के लिए आपको बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, ये दिया हुआ है। जाति प्रमाण पत्र है जो कि महिलाओं के लिए, जो कि खासकर विवाहित हो या अविवाहित हो, पिता के स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए। डोमिसाइल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कम से कम अंचल द्वारा, अंचलाधिकारी द्वारा जो कि निर्गत होना चाहिए। तो ये सारा चीज दिया हुआ। उम्र सीमा क्या है, 18 वर्ष से शुरू है, 1/8/2022 को होना चाहिए। अधिकतम आयु 25 और जनरल के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 27 और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 28, पुरुष के लिए 27 है, महिलाओं के लिए 28 है, अनुसूचित जाति के लिए 30 है। तो ये फॉर्म है जो कि आप भर सकते। 3 वर्षों की छूट रहेगी जो जो सरकारी सेवक, वो भी बिहार सरकार के सरकारी सेवक है, उनको आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट रहेगी। अगर 3 वर्ष वो सेवा कर चुके हैं तो वो रहेगी। हाइट कितनी होनी चाहिए, ये जरूरी है, आपको 167 सेंटीमीटर होना चाहिए, 167.5 सेंटीमीटर, 167.5। छाती 76.5, स्त्री के लिए 154.6 सेंटीमीटर होना चाहिए। और 6 वाइड दृष्टि भी दिया हुआ है कितना होना चाहिए। परीक्षा की पद्धति क्या रहेगी, सुरक्षा पद्धति ऑफलाइन या OMR sheet के माध्यम, मतलब ऑफलाइन ही होगी। उसके बाद है जो पहले ऑफलाइन परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में 100 प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न में क्या रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों के माध्यम हिंदी अंग्रेजी रहेगी। ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहेगा, गणित प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी और सामान्य के 50 रहेगा। तो ये कॉमन सब्जेक्ट है, हाँ इसमें आप कर सकते हैं। गणित की संख्या थोड़ी 50% है, OMR के साथ लीजिएगा। अधिक चरणों में आवेदन प्राप्त होने पर इसमें प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में भी आयोजित कराया जा सकता है, मतलब 1 से अधिक चरणों में हो सकता है अगर संख्या बल ज़्यादा। पाठ्यक्रम जो है वही है, 10वीं स्तर का रहेगा। संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का विकलन, सामान्य दिन में वही समान सारी विषय, बिहार राज्य और भारत, ये सब रहेगा। कम से कम 30% लाना है, 10 गुना है जो कि आपको फिजिकल में लिया जाएगा और फिजिकल क्वालिफाइंग होगा। प्रारंभिक परीक्षा केवल शारीरिक दस्तावेज परीक्षा होगा। और ये प्रारंभिक परीक्षा के बारे में कह रहा कि मेधा सूची आधार नहीं होगा, मतलब ये कहा जा रहा है, मतलब ये एक तरह का कह सकते हैं कि ये सिपाही, मतलब मेरिट जो है आपके रिटेन एग्जाम पर नहीं निकलेगी। और यहाँ पर देखते हैं शारीरिक दस्ता परीक्षा जो सिपाही में होती है उसी तरह का लगभग है, 5 मिनट में 100 अंक है इसके लिए, सभी कोटि की महिलाओं के लिए ये रहेगा। परीक्षा शुल्क है आपके, आपको चाहे वे किसी भी कोटि के वर्ग के महिला पुरुष हों, उनको 675 रुपया है। और बिहार राज्य के मूल निवासी अगर हैं SC ST की, ऑनलाइन का आवेदन महिला भी हैं, तो 180 रुपये लगे। मेधा सूची जो है वो दौड़ पर निकलेगी, कुल अंक के आधार पर, मतलब ये जो मेधा सूची आपकी आएगी वो सिपाही की तरह जो भर्ती होती है उसी तरह है जो कि आपको। शारीरिक योग्यता परीक्षा में अगर समान हो, ये सब कंडीशन दिया हुआ किसको किसका, ऑनलाइन आवेदन के लिए नेट से ऑनलाइन भर सकते हैं और ये 25/4 से तो आप भर ही सकते हैं इसको, ये दिया हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन। और ये फॉर्म का पूरा प्रोसेस जो है आपको 25/4 से शुरू होती है। ये फॉर्म अगर आप मैट्रिक पास हैं, इंटर पास हैं, और दूसरा कंडीशन क्या है, 167.5 जो हाइट है, या महिलाओं के लिए जो 154.5 जो हाइट है वो होना चाहिए। और उनके लिए ज़्यादा लाभदायक है जो फिजिकल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो किसी तरह जैसे दरोगा में क्या होता है कि आप दौड़ गए, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, जो क्राइटेरिया है उसको कर, लेकिन यहाँ क्वालिफाई ही नहीं करना है, फिजिकल में मेरिट भी बनाना है। इसीलिए
जो फिजिकल करते हैं, जो सिपाही की तैयारी करते हैं, उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वहाँ भी मैथ रहता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। तो ये फॉर्म है जो कि आप भर सकते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर, यहाँ भी आपको देखे उनहत्तर, और टोटल पदों की संख्या कितनी है, तो वो तो बताए हैं 69 पद है। नियोजित शिक्षकों को वेतन बढ़ेगा, और ये जो है इस साल के अंत में एक मतलब 2 लाख से अधिक है जो कि पदों पर शिक्षक नियुक्त होंगे। पहले से पढ़ा रहे वेतन भी बढ़ाएंगे, सभी नियमावली है जो कि तय किया गया है, ये कहा जा रहा। आगे बहाल शिक्षक सरकारी कर्मचारी होंगे, मुख्यमंत्री ने कहा शिक्षकों की अब नियमित नियुक्ति होगी, आगे बहाल शिक्षक सरकारी कर्मचारी होंगे। अभी कार्यरत शिक्षक पंचायत के कर्मचारी होते हैं, जिन्हें उसी पंचायत में सरकारी कर्मचारी कर तो कभी भी नौकरी करेंगे और उन सुविधाएं मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सब और क्या है इसमें, शिक्षकों की अब नियमित नियुक्ति होगी, आगे बहाल शिक्षक सरकारी कर्मचारी होंगे, पहले से पढ़ा रहे नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ाएंगे, नई बहाली में भी पुराने वाले को आवेदन करने का मौका मिलेगा। टोला सेवक विकास मित्र का भी है जो कि वेतन इसमें बढ़ेगा, तो ये दिया हुआ है। और कितनी सीटें हैं इसमें, तो 80,257 जो है प्रारंभिक शिक्षक के हैं, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के कितने, 1,20,000 हैं। और इसके लिए अभी क्या प्रक्रिया चल रही है, तो रिक्त स्तर पर है जो कि उपलब्ध रिक्त पद गणना का निर्देश दिया गया है, नई नियमावली के तहत है जो कि मांगा जा रहा है। और 2023 को सामान्य प्रशासन है जो कि प्रस्ताव भेजा जाएगा इसमें। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर, सीडीएस व एनडीए की परीक्षा 16 को होगी, 16 अप्रैल को पटना का 88 केंद्र, 42,984 परीक्षार्थी है जो कि शामिल होंगे। सीडीएस की परीक्षा में 3 पाली में, एनडीए व एनए की परीक्षा 2 पाली में होगी, इसको लेकर तैयारी। 10 मिनट पूर्व ही परीक्षा केंद्र में जो कि प्रवेश मिलेगा, परीक्षा शुरू होने का आधे घंटे में देनी होगी उपस्थिति की सूचना भी इसमें दिया जाना है। ये परीक्षा जो कि आपको पटना में 88 केंद्र, उसी तरह मद्य निषेध सिपाही का दिया हुआ है जो 689 पर 14 तक होगी, और इसका एडमिट कार्ड भी है जो कि आप 27 से डाउनलोड अप्रैल से कर सकते हैं। 10 से 12 बजे परीक्षा होगी, इसमें 1 घंटा पहले पहुँचना है। 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाया गया है, और ये कमेटी जो है कुलपति जो रहेंगे कौन कौन, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति रहेंगे, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति वीर कुंवर सिंह की, ये सब रहेंगे। 21 दिनों के अंदर 2 सेमेस्टर का पाठ्यक्रम को तैयार करने का निर्देश दिया गया है। 4 वर्षीय स्नातक है, इसको रिपोर्ट देना है। एकेडमिक और परीक्षा कैलेंडर के लिए भी बनाई गई है 4 सदस्यीय एकेडमी, और ये कि कैलेंडर भी तैयार करेगी। उसके बाद आते हैं, सोमवार को कैबिनेट की बैठक में फिर होगा दर्जन भर नियुक्तियों के लिए, नियुक्तियों में संशोधन होगा, पिछले सप्ताह को लेकिन शिक्षा मंत्री के निधन के कारण स्थगित कर दिया गया, तो 2 दर्जन अधिक प्रस्तावों को नियमावली कैबिनेट की स्वीकृति इसमें अनिवार्य है, और मैट्रिक और इंटर पास करने की इसमें अनिवार्य शर्त नहीं, क्षेत्रीय भाषा भी जो कि हटा दिया गया है। जेपीएससी परीक्षा संचालन नियमावली पर बैठक अभी नहीं बनी, कोई बैठक हुई लेकिन इस पर अभी कोई बात नहीं बनी है, अगली बैठक में जो कि विचार किया जाएगा। जेपीएससी वैकेंसी जब तक ये क्लियर नहीं होगा नियमावली, तब तक आपकी वैकेंसी नहीं आएगी। उसके बाद आते हैं, तो इन्हीं खबरों साथ धन्यवाद।